टैंगलेस रेसिपीज में आपका मोस्ट वेलकम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम आपको बहुत ही टेस्टी सी डिश बनाकर दिखा रहे हैं, पनीर मखाना। और ये बहुत ही टेस्टी होता है, आप लोग जरूर बनाइएगा। और बहुत इजी तरीके से देखें बन जाता है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हम मखाना पनीर बनाएंगे। 250 से 300 ग्राम पनीर ले लिया है और दो मीडियम साइज प्याज लिए हैं, चार टमाटर लिए हैं और हमने ये पैकेट वाले मखाने लिए हैं। आप चाहें तो लूज मखाने भी ले सकते हैं। तो 250 ग्राम पनीर के लिए हम सबसे पहले मखानों को फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने 15 से 20 ग्राम मखाने लिए, रोस्ट कर लूँगी। थोड़ा सा बीच में देसी घी डाल दूँगी जिससे अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे। तो हम मखानों को फ्राई कर लेते हैं या रोस्ट, जो भी आप करें इस तरह से कर लें। घी डाल दूँगी जिससे ये मखाने थोड़ा सा टाइम लेते हैं फ्राई होने में। तो फ्राई हो रहे हैं, इस तरह से चॉपर में डाल दिया है। तो ये टमाटर हमने अच्छे से बारीक चॉप कर लिए हैं। अब हम प्याज़ों को भी वापस इसी चॉपर में ही कर लेंगे। हमें धोने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम प्याज भी इसी में ही यूज़ करेंगे। भाई इसे भी पीस लेते। आप देख सकते हैं प्याज भी हमने चॉप कर लिए हैं, बस इतने ही बारीक हमें चाहिए। ये हमारे हो गए हैं अच्छे से। तो हम मखानों को भी निकाल लेते हैं बोल में। मखाने काफ़ी फ़ायदे के होते हैं, आप लोग जरूर यूज़ कीजिएगा इनको। ऑयल डालते हैं, एक बड़ा चम्मच डालेंगे, बाकी हम थोड़ा सा घी डालेंगे। एक टीस्पून के करीब हम घी भी डाल देंगे, जीरा डालेंगे, एक तेज़पात डालेंगे, दो से तीन चार काली मिर्च डाल देंगे, दो लौंग डाल देंगे, एक सिनेमन का टुकड़ा डाल देंगे, प्याज हमने चॉप किया है वो डाल देंगे, साथ ही टमाटर भी डाल देंगे। तो बना दो, मैं तो जरा पूछ रही हूं आपकी बनेगी थोड़ी। ये थोड़ा सा ढक दिया है हमने और कर दिया। मखाने हमारे रोस्ट हो गए हैं। कट गया है चूबी पर पनीर का पीस जो है, ये हम थोड़ा सा मैश कर कर डालेंगे पनीर में। बस जब मसाला हम भूनेंगे ना तब डाल देंगे। तो आइए प्याज और टमाटर चेक करते हैं। इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, आप चाहें तो चॉप कर कर भी डाल सकते हैं। लेंगे अच्छी तरह, नमक डालते हैं, हल्दी डालेंगे। नमक हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। हल्दी स्पून के करीब डाली है, एक टी स्पून के करीब, साथ ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च डालेंगे, दो से चार पिंच गरम मसाला, यहाँ पर मैं थोड़ी सी देगी लाल मिर्च भी डाल रही हूँ, थोड़ा सा पानी डालती हूँ और सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे इस तरह। और ये पनीर का पीस इस तरह से हम इसमें मैश कर देंगे, अच्छी तरह मिला देंगे, बिल्कुल क्रीमी सा बनेगा पनीर हमारा। एक टीस्पून कसूरी मेथी हम हाथ से क्रश कर कर डाल देंगे। थोड़ा सा मसालों को हम अच्छी तरह भूनेंगे। मसालों को भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छा कलर आ गया है, ऑयल रिलीज होने लगा है। हम इसमें पानी ऐड करते हैं। पानी डालने के बाद थोड़ा सा और भूनेंगे हम इसको।
क्या करते हैं, पनीर डाल देते हैं। पनीर को डालने के बाद अच्छी तरह मसाले में कोट करेंगे और मिलाएंगे, खूब अच्छे से इसे भून लेंगे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पर हम ये मखाने भी ऐड कर देंगे। टी स्पून के करीब घर की फ्रेश मलाई लेकर हम इसे अच्छी तरह बीट कर लेंगे और वो भी हम मिला देंगे। तो बहुत अच्छा टेस्टी पनीर हमारा बन गया है। तो हम थोड़ा सा इसे चला दें, अच्छे से मिला। अब हम इसे 10 से 15 मिनट ढककर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पनीर रेडी है। हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। कलर आप देख सकते हैं, खुशबू आ रही है पनीर से। लोग भी इस रेसिपी एक बार पनीर मखाना ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी में। बाय बाय, टेक केयर।